बंदीशाला का हो निर्माण, दो बच्चों की एक ही पुकार, बंदीशाला का हो निर्माण, दो बच्चों की एक ही पुकार, बंदीशाला का हो निर्माण। नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे भाग्या ओए ओए, और पीछे, और पीछे, अरे पीछे थोड़ो, ओ संघ थोड़ा पीछे जाए यार, अरे पाजा तू आजा, एक भाई बोलो, अरे पाजा जा थोड़ा तू बोल ले मत को। नगर परिषद मुर्दाबाद, हूनी चेयरमैन मुर्दाबाद, 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 हूनी चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आजा। नगर परिषद मुर्दाबाद, 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 न्याय दो रे न्याय दो, माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, माता को न्याय दो। नगर परिषद मुर्दाबाद, 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 बूंदी सभापति मुर्दाबाद, 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 बूंदी सभापति मुर्दाबाद, 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 बूंदी सभापति मुर्दाबाद, 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 न्याय दो रे न्याय दो, माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, माता को न्याय दो। बोलो नंदी बाबा की जय। एक गुना एक भाई साहब सामने देखियो,
आज नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज 51 दिन हो गए आप भूख हड़ताल पे बैठे हो, क्या कहना है आपका? मेरा मैं रेगुलरली धरने पर आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आज मैं बैठा हूँ और हर आदमी, हर समाज का और हर पार्टी का आदमी यहाँ पे आ रहा है, वो सब हौसला अफजाई करने जा रहा है। लेकिन ये जो कार्य जिसने रोक रखा है, जैसे सभापति नगर परिषद है, तो उनके लिए मैं राय दे देता हूँ। मेरी उम्र होगी 49 साल और मैं अब तक कम से कम 500 से 700 आदमी को शमशान और कब्रिस्तान तक अपने कंधे पे मान सम्मान के साथ छोड़ गया हूँ। उसमें उस तबके के लोग भी हैं जो करोड़पति भी गए, वो मध्यम परिवार के भी गए, गरीब परिवार के भी। जब धरती को वहाँ पे देखा तो वो जो उन्होंने जमा पूंजी इकट्ठा कर रखी थी ना, वो भाई मैंने 1 करोड़ कमा लिया, कब्जा कर लिया, मैंने फलाना दीगरा। लेकिन जब वहीं उनकी जो स्थिति देखी तो उनके दोनों द्वार खाली थे और उन्हीं के घर परिवार वाले उनके कपड़े खोल के और ओनली 100 रुपये हाथ कुछ हुआ नहीं। उन्होंने जिंदगी भर ये लूटा, ये कसूटा, ये छीना, जब भी करी, लेकिन एंड में तो खाली याद गया है। जो मेरा कहने का मतलब है, जो भी लोगों ने नंदीशाला की जमीन है, गौशाला की जो भी ये जमीन है, जिस पर किसी भी प्रकार की उन्होंने गलत तरीके की नज़र डाल रखी, उनको हासिल होना चाहिए। और आज 2011 सबसे बड़ा दिन है और उन लोगों से आज जोड़ के निवेदन है कि आप गौशाला को इनके निर्माण में भागीदारी निभाए। और ये जो बेसारा जानवर है, अभी राजेश जी ने बताया कि 200 गायल नंदी और भी है जिनकी कोई छूट नहीं है, तो उससे भी थोड़ा जबर करके और इस कार्य को हर कोई, इसमें उनसे नीचे की कोई भावना नहीं हो सकता, वो गलत है। मैं अभी तक कोई काम नहीं कर पाया, लेकिन अगर उनको सच दिया है तो इस कार्य को करवा के और ये नंदीशाला का निर्माण को शीघ्र चालू करें। अभी तो कम से कम काफ़ी आदमी, काफ़ी पार्टियाँ हैं और भी ये सब जुड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे ये एक दिन इतना बड़ा कारवा बन जाएगा कि जो उन्होंने राठौर की दादागिरी या किसी प्रकार का वो जमा रखा है ना, वो चलेगा नहीं। सरकारें आती है जाती, दूसरी आएगी वो करेगी, क्योंकि काम लीगल है। ये तो है ही नहीं कि भाई ये ज़बरदस्ती की मांग कर रखी हो नंदीशाला की, जिनका कि ये मांग रहे हैं ये नहीं देंगे, 2 साल 1.5 साल बाद दूसरी प्रशासन सरकार आएगी वो बना के देंगे। वो वक्त तो सभी है, ये भी हैं, लेकिन इनके दिमाग में अभी तक कतरा भरा हुआ है, इसलिए ये कार्रवाई नहीं कर रहे। नहीं तो दूसरे आएंगे, वो आते हैं फर्स्ट में यही काम करना है उनको, भाई ये नंदीशाला की ज़मीन को हैंड ओवर करानी है। और ये जो रोड पे बेसारा की तरफ घूम रहे, इनकी कोई छूट मिलेगा ना, जो कम से कम इनको रोड ठिकाना मिल के और कम से कम आदमी के मन में जन्म जन्म का नाता है। आपका नाम बता दो, नाम बता दो। मेरा नाम सुमित शर्मा है, मैं सामाजिक कार्य में। 51 दिन हो गए नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर धरने पर बैठे हो, आप भी वो हड़ताल पे हो, क्या कहना है आपका? मैं सबसे पहले गोपाल वैश्विक को धन्यवाद देना चाहता हूँ एवं इनकी टीम को कि निस्वार्थ भाव से ये गौ सेवा कर रहे हैं। जो डॉक्टर इसकी जो है तनख्वाह पा रहे हैं, कंपाउंडर ले रहे हैं, सब तनख्वाह पा रहे हैं, लेकिन इनको कोई मतलब पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, फिर भी निस्वार्थ भाव से गौ सेवा कर रहे हैं। हर जगह जहाँ जहाँ का बुला पा रहा है वहाँ जाते हैं और घायल गौ माता को लाते हैं, बीमार गौ माता को लाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन, नगर परिषद का आयुक्त और चेयरमैन बिल्कुल अंधे बने हुए हैं, तटराज की तरह। इनको ये नहीं दिखाई देता है कि यहाँ गौशाला की जो गायें हैं जो बाहर से आई हैं, उनके लिए रखने की रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है, न वो चारा खा सकती है, न पानी की जो है बरसात से बच पाती है, और न उनकी मतलब अस्पताल की जो है सुविधा मिलना चाहिए वो मिल पाती है। तो मैं तो चेयरमैन से ये कहूँगा कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप इस लायक बने हो तो आपको गौशाला की गायों को जो दुर्घटनाग्रस्त है, बीमार गायें हैं, उनको सबसे पहले व्यवस्थित करके और अपने स्थान पर पहुँचाना चाहिए। जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता। नाम बता दो, नाम बता दो। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण सरंगी, रिटायर्ड कानूनगो और जिलाध्यक्ष।